Welcome, my dear Libras, Sun, Moon and Rising. So first thing first, Libras, अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे कोविड सीरियस है तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और जो भी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है और जो भी मेजर्स लेने की ज़रूरत है वो प्लीज़ लीजिए. और अभी बहुत ही ज़्यादा सीरियस चल रही हैं चीज़ें, सो जो कलेक्टिव प्रेयर होती है उसमें बहुत ताकत होती है. तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जहाँ भी हैं आप सुबह उठ के बस 2 मिनट प्रे करिए सबके लिए, जो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं कोविड से या जो लोग भी सफ़र कर रहे हैं कोविड से, उन लोगों के लिए. बिकॉज़ अगर हम सब प्रे करेंगे तो वो दुआ बहुत ही जल्दी कबूल होती है. सो ऑल्सो ये रीडिंग लिब्रा सन मून एंड राइजिंग के लिए है. तो अगर आप इससे रेजोनेट करते हैं, देखिए पहली बात तो ये कि ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी रीडिंग से रेजोनेट करें. हो सकता है आप रीडिंग के कुछ पार्ट्स से रेजोनेट करें या फिर कुछ मैसेजेस और कुछ इम्पॉर्टेंट गाइडेंस से रेजोनेट करें, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए. इस रीडिंग में हम ओरेकल्स कार्ड निकालेंगे, चार्म्स निकालेंगे, चैनल्ड मैसेजेस निकालेंगे आपके पर्सन की साइड से, गाइडेंस निकालेंगे. तो वो सारी चीज़ों पे आप प्लीज़ फोकस करिए और अपने बाकी के प्लेसमेंट ज़रूर देखिए एटलीस्ट आपका, क्योंकि मुझे पता है मोस्टली लोग सन साइन देखते हैं. सो आपका मून और राइजिंग साइन भी ज़रूर देखिए. अगर आपको निकालना नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको बताऊंगी. और मैं सोच भी रही हूँ कि कुछ दिनों से कि मुझे एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहिए कि कैसे आप अपना सन मून राइजिंग देख सकते हैं. सो आई विल डू दैट बहुत ही जल्दी. और ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो मेल फीमेल ही शी किंग क्वीन उसका जेंडर पे कोई इफ़ेक्ट या फ़र्क नहीं पड़ता है. ऑल्सो एनर्जीज़ कभी कभी चेंज हो जाती हैं, तो जब मैं आपके पार्टनर के बारे में बात करूँ तो हो सकता है आपके बारे में हो, या जब आपके बारे में बात करूँ तो हो सकता है वो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हो. ठीक है, सो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं. ओके. सो लिब्रास, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ मुझे कुछ फीमेल्स दिख रही हैं जो माइट बी पॉसिबल प्रेग्नेंट हों, सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट. और बाकी लोगों के लिए मुझे बाकी लोग ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं दैट दे आर ट्राइंग टू गिव बर्थ टू समथिंग, मतलब कुछ एक लाइफ में कुछ शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने लिए कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं. सो उस एनर्जी में आप लोग मुझे दिख रहे हैं. यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिख रहा है, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों ने किसी रिलेशनशिप को होल्ड करके रखा हुआ है बहुत टाइटली, जिस रिलेशनशिप में रहना आपके लिए हो सकता है कि टॉक्सिक हो, जिस रिलेशनशिप से आपको निकल जाना चाहिए, या फिर कई लोग बार बार सेम टॉक्सिक पर्सन के पास जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो जाता है, फिर आप पैचअप कर लेते हैं, फिर आपका ब्रेकअप हो जाता है. तो वो सारी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही हैं. और कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है कि आपने कुछ लाइफ में नेगेटिव मेमोरीज़ को होल्ड ऑन करके रखा हुआ है, या फिर आप लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं अपने रिलेशनशिप से, तो वो मुझे चीज़ें
दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए बस ये मनी वाइज हो सकता है कि आप थोड़ी लाइफ में कंजूसी कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी है कि आपने किसी चीज़ को होल्ड करके रखा हुआ है जिसको आपको थोड़ा फ्री कर देना चाहिए। हो सकता है कि आपके पार्टनर हों जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हों, जो थोड़े डोमिनेटिंग हों, जो पजेसिव हों, जिन जिन जो आपसे जेलस हो जाते हों बहुत ही इजली, तो ये कुछ लोगों के लिए वो वाली एनर्जी भी है। तो कुछ टॉक्सिक होल्ड करके रखा हुआ है जिसे होल्ड नहीं करना है, रिलीज़ करना है। तो गाइज़ आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ क्या है, आपको सोचने और समझने की ज़रूरत है। और ये जो भी चीज़ है, दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द मंथ, इस महीने में आपको इस चीज़ को रिलीज़ कर देना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब मुझे आप यहाँ पे जो फ्यूचर एनर्जी मुझे जो दिख रही है वो बहुत ही प्यारी एनर्जी दिख रही है। जैसे मैंने आपको बोला था कि काफ़ी सारे लोग कुछ बर्थ देने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप मुझे नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में दिख रहे हैं। यहाँ पे लग रहा है कि आप अपने दम पे अपने जो आपका पोटेंशियल है और जो पावर है उसको इस्तेमाल करके आप एक लेवल पे लाइफ में पहुंच रहे हैं जहां आप इंडिविजुअली स्टैंड करेंगे और बहुत ही अच्छा करेंगे। और मुझे आपकी लाइफ में अबंडेंस भी दिख रहा है, तो मुझे एक स्टेबल लाइफ दिख रही है इन टर्म्स ऑफ मनी, जॉब, बिजनेस, है ना। तो यहाँ पे अगर आप बहुत टाइम से, क्योंकि मुझे आप अटके हुए यहाँ दिख रहे हैं, किसी रिलेशनशिप में अटके थे या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि किसी इंसान के बिना, किसी पर्सन के बिना आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप में मुझे एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा है। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा प्यारी है जहाँ पे आप खुद के दम पे अकेले सारा स्ट्रगल आप अकेले कर रहे हैं और सारी डिफ़िकल्टीज फेस करने के बाद नाउ यू आर स्टैंडिंग अलोन इन योर पावर, काफ़ी सारी चीज़ें लाइफ में अचीव करने के बाद। मुझे यहाँ पे कुछ एनर्जीज ये भी दिख रही हैं कि किसी ने आपको यहाँ पे छोड़ दिया है। ये कार्ड मई की रीडिंग में बहुत बार आया है। फिर से ये फाइव ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी ने आपको गलत टाइम पे छोड़ा है, आपकी लाइफ से कोई गलत टाइम पे आपको गलत जगह पे छोड़ के चला गया है, या फिर हो सकता है कि आप किसी को छोड़ के चले गए हों। तो मुझे यहाँ पे एनर्जीज थोड़ी विक्टिमहुड वाली दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना था, मैं जो डिज़र्व करता हूँ मुझे एक रिलेशनशिप में नहीं मिला, ये इंसान मुझे छोड़ के चला गया, मैंने तो रिलेशनशिप में सब कुछ किया। तो ये सारी मुझे एनर्जीज दिख रही हैं। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों को लगता है कि उनके पार्टनर उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं जैसा एक सपोर्ट एक पार्टनर की साइड से होना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग मैसेजेस हैं। अब यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड्स है, तो बहुत ही पेनफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपको किसी ने बहुत तकलीफ़ पहुँचाई है, और मुझे वो आप उस पेन में दिख रहे हैं कि किसी ने आपको अकेला छोड़ दिया है। अब फ्यूचर में तो मुझे दिख रहा है कि आप इस एनर्जी से निकल के इंडिविजुअली अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं, बट अभी मुझे आपकी बहुत ही पेनफुल एनर्जीज दिख रही हैं। तो आई टोटली अंडरस्टैंड, ये जो फेज़ होता है रिलेशनशिप का, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है और हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है इन चीज़ों को बर्दाश्त करना या इन सब चीज़ों से मूव ऑन करना। बट मुझे दिख रहा है कि आप हिम्मत नहीं हारोगे और जो आपको पास्ट का लेट गो करना है, जो आपको भूलना है, वो भूल के आप आगे बढ़ोगे, ज़रूर बढ़ोगे। और हम हर हर किसी को ज़रूरत भी है कि वो ये सारी एनर्जी से बाहर निकले। सो आप मुझे निकलते हुए दिख रहे हो, बट आई नो कि अभी बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो मुझे पता है। तो अब मैं हर बार की तरह यहाँ पे आपको यही बोलना चाहूँगी कि अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने गार्जियन एंजल्स, अपने भगवान, जिस भी भगवान में आप मानते हैं, उनसे कनेक्ट करिए, उनसे प्रे करिए, मेडिटेशन करिए। और जब आप ये सब करेंगे और कनेक्टेड रहेंगे अपने भगवान से, तो आपके लिए
इजी होगा, थोड़ा थोड़ा कम मुश्किल होगा आगे बढ़ना, अपने पैरों पे खड़े होना और अपने ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना। और ये जो भावना है आपके अंदर कि मेरे साथ हमेशा गलत होता है या किसी ने आपके साथ गलत किया है, उस एक भावना से निकल के पॉजिटिविटी की तरफ जाने के लिए आपको एक कनेक्शन बनाना ज़रूरी है भगवान से। ठीक है, और ये बात याद रखें कि भगवान की साइड से हमेशा आपके लिए मैसेजेस आते रहते हैं, बट आपको अपने आप को रिसीव करने के काबिल बनाना है। काबिल हम सब हैं, बट क्योंकि हमारे दिमाग में इतनी नेगेटिविटी चलती रहती है, इतने थॉट्स चलते रहते हैं, इतना ओवरथिंकिंग चलता रहता है कि हम भगवान से जो कनेक्शन है उसको फील नहीं कर पाते। तो आपको थोड़ा सा नेगेटिविटी से बाहर निकल के अगर आप मेडिटेशन करेंगे, मुझे पता है मैं बहुत बार बोलती हूँ, बट मैं बोलती रहूँगी शायद ज़िंदगी भर जब तक मैं टैरोट रीडिंग कर रही हूँ, या फिर मैं ऐसे भी बोलूँगी कि आपको मेडिटेशन करना या प्रे करना, जो भी आपका फॉर्म हो, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, आप अगर नेचर में जाके बिना फ़ोन लिए अगर आप बाहर कहीं वॉक पे जाते हैं और नेचर में रहते हैं, तो भी आपका एक कनेक्शन भगवान से बनता है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं अगर आपको मेडिटेशन नहीं करना हो तो। यहाँ पे मुझे एक और कार्ड दिख रहा है, एस ऑफ वांड्स। तो अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे भगवान की साइड से, आपको यूनिवर्स की साइड से यहाँ पे एक नई शुरुआत है जो आपकी लाइफ में आने वाली है। ये नई शुरुआत आपके किसी पैशन से रिलेटेड हो सकती है, जो जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट हैं, इंटरेस्टेड हैं, जो चीज़ आपको पसंद कर जो आपको करना पसंद है, उस चीज़ से रिलेटेड मुझे नई शुरुआत आती हुई दिख रही है। तो जब आप एक बार थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्रेशंस में धीरे धीरे जाने लग जाएंगे, तो बहुत ही जल्दी आपको ये नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिखेगी। ओके, और यहाँ पे मुझे अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है, तो हो सकता है कि आप किसी वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो। और अब हम आगे देखते हैं। इस महीने आपकी ओवरऑल जो जिस चीज़ पे आपको फोकस करना है वो है आपकी हीलिंग। आपको यहाँ पे रेस्ट करने की, पास्ट से हील करने की, शैडो वर्क करने की ज़रूरत है। मतलब आपके जो भी अनकॉन्शियस में, सबकॉन्शियस में जो भी नेगेटिविटी आई है किसी भी वजह से, उसे आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, निकालने की ज़रूरत है। तो जो आपके आपकी सोल में जो नेगेटिविटी आ जाती है, क्योंकि कई बार आप इतना ज़्यादा सफ़र करते हैं कि जो नेगेटिविटी है उसका जो कैसे बोलें उसको, उसकी जो निशान है या कुछ प्रिंट्स हैं या फिर फुट प्रिंट्स बोल सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी सोल में रह जाते हैं और उस चीज़ से आपको, उस चीज़ को अपने सोल से हटाना, उस नेगेटिविटी को हटाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे अपनी माइंड, बॉडी और सोल तीनों चीज़ों को रिलैक्सेशन दें। अगर दिमाग से भी थका हुआ फील कर रहे हैं, जैसे आपने बहुत ही नेगेटिव चीज़ों से गुजरे हैं आप, या फिर आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, आपने किसी को कुछ टॉक्सिक चीज़ें बोली हैं या किसी ने आपको कुछ टॉक्सिक चीज़ें बोली हैं, तो उन सब चीज़ों से आपको अपने दिमाग को, जो आपकी थॉट प्रोसेस है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, उससे आपको ज़रा अपने दिमाग को रिलैक्सेशन देना है। ऐसे ही अपनी बॉडी को भी देना है। तो अगर आप टायर्ड बहुत ज़्यादा आजकल फील कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा रेस्ट करिए। और जैसा मैंने आपको सोल के लिए बोला था, तो कुछ मेडिटेशंस होते हैं। अगर आप इंटरनेट पे हीलिंग मेडिटेशन डालेंगे तो कुछ आपको छोटे छोटे मेडिटेशंस मिलेंगे। तो अगर आप 5 या 10 मिनट भी वो मेडिटेशंस करते हैं, तो आपकी जो सोल क्लिंजिंग है वो इजी हो जाएगी। तो जब आपकी सोल क्लीन होती है, माइंड क्लीन होता है, तो आपकी लाइफ में ज़्यादा पॉजिटिविटीज़ आती हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, और आपको मूव ऑन करने में भी काफ़ी सहायता मिलती है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका सबसे बड़ा
चैलेंज जो है इस महीने का वो है कि आपको इल्यूजन से दूर रहना है। जैसे आई होप आप समझ गए होंगे, जैसे अगर आप किसी इल्यूजन में हैं, किसी फैंटेसी वर्ल्ड में हैं, किसी पर्सन को लेके, अगर किसी की आपको रियलिटी नहीं दिख रही है तो आपको उस इंसान की रियलिटी, या फिर अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है तो उस घटना की रियलिटी आपको देखने की ज़रूरत है और उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपके पास वो क्षमता है, आपके पास वो पोटेंशियल है कि आप जो चीज़ है उसको थोड़ा रियलिस्टिक तरीके से देखें। हम हमेशा ये बोलते हैं कि आपको डिसीज़न जो है हार्ट से लेना चाहिए, बट यहाँ पे मुझे आपका कार्ड देख के लग रहा है कि आपको इस बार थोड़ा दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। तो जो भी इल्यूजन्स हैं उनसे आपको बाहर आने की ज़रूरत है। आपको मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग स्टक भी लग रहे हैं, तो जैसा जो हमने पहले फोर ऑफ पेंटिकल्स देखा था वैसे ही एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपको लग रहा है कि आप स्टक हैं और चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं, जैसा अभी हमने इल्यूजन के बारे में डिस्कस किया था। तो अभी वापस से मुझे वही एनर्जीज दिख रही है द हैंगमैन के साथ में, कि आप कहीं पे स्टक फील कर रहे हैं, आप सही से देख नहीं पा रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए ये जो फिगर है ये उल्टा टंगा हुआ है और देखने की कुछ कोशिश कर रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे अपना परसेप्शन किसी चीज़ को देखने का, किसी इंसान को देखने का, या फिर कोई सिचुएशन को देखने का, यहाँ पे नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है कि सारी सिचुएशन आपके सामने हैं बट फिर भी आप उसे देख नहीं पा रहे हैं, उसकी सच्चाई को फिर भी देख नहीं पा रहे हैं, या फिर शायद आप देखना नहीं चाहते हैं, ये भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे पास्ट में दिख रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई हैं, अब आगे हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। तो आपकी लाइफ में कुछ बहुत सारे चेंजेस आए हैं जो आपको डाइजेस्ट करने के लिए थोड़े से मुश्किल हो रहे हैं, क्योंकि चेंज अच्छे के लिए आता है, हमेशा लाइफ में चेंज अच्छे के लिए आता है, बट हम अपनी पुरानी लाइफ में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं, पुरानी रूटीन में हम इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं और इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि चेंज हमें हमेशा अनकंफर्टेबल लगता है स्टार्टिंग में। तो हम इसे देखेंगे। आपका सबसे बड़ा यहाँ पे जो इस महीने की स्ट्रेंथ है वो मुझे या तो कोई पर्सन है ये, या फिर ये आप हैं जो क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर ये कोई पर्सन है तो ये आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, या फिर आप कोई और इंसान हो सकता है, कोई और कनेक्शन आपकी लाइफ में हो सकता है। तो ये जो हैं ये दिख रहा है कि ये जो इंसान हैं बहुत ही बोल्ड हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को रखते हैं। तो हो सकता है ये आपके कोई फ्रेंड हो जो आपको चीज़ें बताते हैं कि क्या करना आपके लिए सही रहेगा या क्या करना आपके लिए गलत रहेगा, और बहुत ही मुफ्त तरीके से बताते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग राइट नाउ फॉर यू। तो इनकी आप मदद ले सकते हैं। और अगर आप ये खुद हैं तो मुझे आपकी जो अगर कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज़ हैं तो वो फ्यूचर में मुझे चेंज होती हुई दिख रही है, और मुझे दिख रहा है कि आप कुछ बोल्ड डिसीजंस लेने के स्टेज पे धीरे धीरे आ रहे हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी नाइस थिंग। फ्यूचर में मुझे नाइट ऑफ वांड्स दिख रहा है, यहाँ पे लग रहा है कोई आपके पास वापस से आ रहा है। तो हो सकता है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, या फिर अगर आपकी आपके पर्सन से बात नहीं होती है, तो ये पर्सन आपसे बात करने आना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि आपके जो भी पर्सन हैं उनसे अगर आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वो वापस आएंगे आपके पास। और मुझे यहाँ पे फिज़िकल अट्रैक्शन आपका आपके पर्सन के साथ दिख रहा है कि बहुत ही अच्छा था, काफ़ी पैशनेट एनर्जीज में भी आपके पर्सन मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स भी है, यहाँ पे नाइट ऑफ वांड्स भी है। सो हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हों वो एरीज लियो या सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि नियर फ्यूचर में कोई आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। अब हम आगे क्लैरिफाई करेंगे कि ये किसकी एनर्जीज है, एनर्जी है या फिर ये कौन इंसान हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इमोशनली आप बहुत ही गार्डेड फील कर रहे हैं, आप ऐसा फील कर रहे हैं कि बस हो गया है, अब मैं थक गया हूँ, इसीलिए शायद हीलिंग का कार्ड, ये जो फर्स्ट कार्ड आया था ओवरऑल सिचुएशन का, जैसा हम बात कर रहे थे पहले। तो यहाँ पे मुझे आप बहुत ही गार्डेड लग रहे हैं कि अब
आप ऐसी एनर्जी में लग रहे हैं कि आपको लग रहा है कि शायद ये सब फालतू की चीज़ें हैं, रिलेशनशिप और प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, अब मुझे किसी से आगे रिलेशनशिप नहीं रखना है या फिर मुझे किसी में इन्वेस्ट नहीं करना है, तो ये सारी एनर्जीज़ में आप मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि आप थके हुए हैं और आपने अपने चारों तरफ बाउंड्री बना ली है कि अब मैं किसी से कोई इमोशनल रिलेशनशिप रखने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये एनर्जी आपके पर्सन की भी हो सकती है। और मुझे या तो ये एनर्जी मुझे लग रहा है कि माइट बी पॉसिबल आपके पर्सन की भी हो सकती है। वाह ओके, यहाँ पे मुझे पावर कपल दिख चुके हैं। अब यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स है, तो अगेन मुझे बहुत ही पैशनेट एनर्जी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे पैशन और फिजिकल अट्रैक्शन दिख रहा है। तो नो डाउट आपका आपके पर्सन के साथ बहुत ही अमेजिंग बॉन्डिंग है। और ये जो कुछ भी हो रहा है, हो सकता है ये बहुत ही ज़्यादा टेम्परेरी हो। यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स है, तो ये एक पावर कपल है 100%। तो ये मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिख रहा है और बस ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं आपके रिश्ते में अभी फ़िलहाल जो चल रही हैं, बट हो सकता है ये कोई और पर्सन हो जो आपको पसंद करता हो, नॉट नेसेसरली जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये हो सकता है कि वो पर्सन हो जो आपके पास ऑफ़र लेके आने वाले हों कुछ समय में, या फिर आपके पास अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए आने वाले हों। आप देखिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्गली एरीज ली और सैजिटेरियस की एनर्जीज हैं, तो ये उनके प्लेसमेंट में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सन साइन ही हो, मून या राइजिंग भी हो सकता है ये किसी पर्सन का। वी ऑल्सो हैव मैजिशियन, तो मुझे यहाँ पे आप कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, आप कुछ क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। और फाओ मतलब कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है लिब्रस, द वर्ल्ड। वाओ सो अभी जो जो मई का महीना है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक साइकिल ख़त्म हो रही है। ये वर्ल्ड कार्ड भी आजकल रीडिंग में बहुत आता है हमारी, तो ऐसा लग रहा है कि एक साइकिल ख़त्म हो रही है। हो सकता है आपके जो प्रेजेंट पर्सन हो उनका उनसे अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो ये एक फेज़ ख़त्म हो जाए और आप बहुत ही जल्दी उनके साथ कांटेक्ट में आ जाएं, या फिर हो सकता है कुछ लोग अपने पास्ट के टॉक्सिक रिलेशनशिप से, पर मुझे यहाँ पे कुछ भी टॉक्सिक एज सच दिख नहीं रहा है अभी। तो हो सकता है कि कुछ लोग किसी नए इंसान का वेट कर रहे हो और अभी तक आप सिंगल हों, क्योंकि मैंने एक सिंगलहुड का कार्ड भी देखा था पहले, तो हो सकता है कि आप सिंगल हों और किसी इंसान का वेट कर रहे हो, तो वो भी इंसान आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ सकता है। बट उसके पहले आपका ये जो करंट फेज़ है जहाँ पे आप कंफ्यूज दिख रहे हैं, मुझे कुछ इल्यूजन्स में दिख रहे हैं, कुछ हील करते हुए दिख रहे हैं, कुछ स्टक दिख रहे हैं, तो पहले ये सारी एनर्जीज हैं उनका एंड होगा इस महीने, और प्रोबेबली इस महीने के अंत तक या अगले महीने एक आपको नई शुरुआत एक पर्सन के साथ होती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिख रही है। अब आपको ज़्यादा पता है कि आपके प्रेजेंट पर्सन के साथ में है या फिर कोई थर्ड पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको पसंद करता है या फिर आपसे कनेक्टेड है, बट यहाँ पे कोई इंसान बहुत ही जल्दी नियर फ्यूचर में प्रोबेबली इसी महीने आपके पास कुछ ऑफर लेके आने वाला है। या आप मुझे लग रहा है आप किसी को पसंद करते हैं, उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी नाइस एनर्जी। सो आई जस्ट वॉन्ट टू क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो या मुझे तीन लोग यहाँ पे दिख रहे हैं अब। तो हो सकता है कि आपका
आपके जो पास्ट में किसी पर्सन के साथ ब्रेकअप हो गया और उससे आप हील करने की कोशिश कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस आए थे. आपके पास एक ऑफ़र आया था और उस ऑफ़र को आपने चूज़ किया और काफ़ी ग्रो भी हो रहा था, आपका रिलेशनशिप काफ़ी ग्रो हो रहा था मुझे लग रहा है. बट यहाँ पे फिर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हुए जिससे कि बहुत ही स्टैगनेंट एनर्जी इस रिलेशनशिप में आ गई थी. बट अभी मुझे लग रहा है कि आप पास से हील कर रहे हैं और जो इल्यूजन्स हैं उनसे आपको निकलने की ज़रूरत है. यहाँ पे फ्यूचर में कोई पर्सन है जो आपके साथ आपके पास कुछ ऑफ़र लेके आ रहा है. मुझे बहुत ही स्ट्रांगली ये एरीज लियो या सैजिटेरियस का प्लेसमेंट दिख रहा है. सो आप कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं बट आपने खुद को गार्डेड करके रखा हुआ है, तो ये पर्सन तब तक आपकी लाइफ में नहीं आ पाएगा, आपको खुल के आपकी उनके दिल की बातें नहीं बता पाएगा अगर आप इतने गार्डेड रहेंगे. तो पास्ट में जो भी है उस चीज़ से आप हील कर लीजिए और आगे बढ़िए. यहाँ भी मुझे पास्ट में आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रहे हैं, तो बहुत ही लविंग एनर्जी में आप दिख रहे हैं. हो सकता है जो पर्सन आपके पास ऑफ़र लेके आया तो आप बहुत ही ज़्यादा फील करते थे उनके लिए, बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड थे, बट रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि चीज़ें थोड़ी ख़राब हो गई और आप स्टैगनेंट फील करने लगे. नाउ अभी सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो अपने आसपास बाउंड्री बना के रखी हुई है कि आप अपनी लाइफ में किसी को आने नहीं देंगे, उस बाउंड्री को गिरा दें. जो पर्सन जैसा है, जो सिचुएशन जैसा है, उसको दिमाग से एनालाइज करिए और जो स्टक एनर्जी है उससे निकलिए. अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं फंसे हुए हैं तो आप बिल्कुल भी फंसे हुए नहीं हैं. यहाँ पे कोई आपके पास कुछ बात करने के लिए ऑफ़र लेके कुछ आता हुआ मुझे दिख रहा है. आप किसी को मुझे आप कुछ मैनिफेस्ट करते हुए भी दिख रहे हैं, अट्रैक्ट भी करते हुए दिख रहे हैं. तो जब ये स्टैगनेंट एनर्जी, जब ये हीलिंग, जब ये बाउंड्री गिर जाएगी इस महीने, जो कि आप मुझे इस चीज़ पे काम करते हुए दिख रहे हैं, तो जो इस महीने के अंत का समय होगा या अगले महीने का समय होगा, तो यहाँ पे मुझे एक पावर कपल दिख रहा है जो वापस से अपने बहुत ही लविंग एनर्जी में आने वाला है. सो या वी विल टेक सम ओरेकल्स, देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, गार्जियन एंजल्स, भगवान जी आपसे क्या बातें करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं. कम ऑन, ओके 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 ओके. लव, सो या आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है और बहुत सारा प्यार आने वाला है. एंड वी ऑल्सो हैव प्योरिटी. ये कार्ड प्योरिटी का तब आता है, ये बहुत बार मॉर्निंग रीडिंग्स में आता है. तो ये प्योरिटी का कार्ड तब आता है जब आपको एंजल से ये मैसेज मिल रहा हो कि आपको कुछ जो पास्ट की एनर्जीज हैं उनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है, अपने आप को प्योरीफाई करने की ज़रूरत है. जैसा हम स्टार्टिंग से बात करते हुए आ रहे हैं कि यू नीड टू प्योरीफाई योर माइंड, बॉडी एंड सोल, तो उसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ये एक यूनिवर्स की साइड से हिंट होता है कि अब नई चीज़ें आ रही हैं. तो दिस इज़ द टाइम कि अब आप लेट गो कर दीजिए जो पुराना है उसको और नई चीज़ों पर फोकस करिए. तो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और उन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं, आपने कुछ गलतियाँ की हैं, तो उन्हें जाने दें. अगर आपका रिलेशनशिप पूरे तरीके से ख़त्म हो गया है और अब आपको कोई और पसंद आ रहा है या फिर आप चाहते हैं कि किसी और नए इंसान के साथ आपकी नई ज़िंदगी शुरू हो, तो पास्ट के पर्सन को और पास्ट के एक्सपीरियंसेस को भी जाने दें. बस लेसन्स को याद रखें. वी ऑल्सो हैव टेकिंग रिस्क. तो अब टाइम, वक्त आ गया है कि आप एक स्टैगनेंट एनर्जी से निकलें और अपने आप को हील करें और आगे बढ़ें, रिस्क लें, जिससे जो बातें करना चाहते हैं बी असर्टिव, डायरेक्ट अपनी जो आपकी ख्वाहिशें हैं उनको रखें किसी भी पर्सन के सामने. तो यहाँ पे रिस्क लेने की ज़रूरत है, पास्ट को रिलीज़ करने की ज़रूरत है और बहुत ही प्यार भरी एनर्जीज आते हुए दिख रही है. हम कुछ आपके पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर पर्सन से कुछ मैसेजेस भी लेते हैं. सो लेट्स सी.
ओके, फॉरगिव सोया, जैसा कि हम रिलीज के लिए, प्योरिटी के लिए बात कर रहे थे कि माफ़ कर दीजिए जिसे भी आपको माफ़ करने की ज़रूरत है. इन्जॉय योर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यूनिकनेस. तो यहाँ पे कोई बोल रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं और किसी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं. और ये मैसेज डिवाइन के साइड से भी हो सकता है कि आप बहुत ही यूनिक और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी और बहुत ही ब्यूटिफुल हैं. सो वाओ, इट्स अ वेरी नाइस थिंग. टाइम फॉर अ लव फीस. तो अपनी लव एनर्जी में आ जाइए, जो पास्ट में हुआ है उसको भूल जाइए. जो आपकी लविंग एनर्जी है, जो आपके अंदर प्यार है, फीलिंग्स हैं, उन्हें खुल के एक्सप्रेस करिए, खुल के फील करिए, खुल के एम्ब्रेस करिए. और ये जो गार्डेड एनर्जी में हैं आप, इससे निकल जाइए. ओके, सो आई थिंक कि हमको कुछ चार्म्स और अल्फ़ाबेट्स भी लेना चाहिए. तो ये अल्फ़ाबेट्स आपके पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर पर्सन के हो सकते हैं या फिर आपके हो सकते हैं, सो दैट आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल सके. कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन. सो वी हैव लेटर ओ, वी हैव लेटर बी, वी हैव लेटर एम एंड जी, ई एंड एल. सो हमारे पास यहाँ पे एक सेफ्टी पिन है. अगर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, जो हमें स्टार्टिंग में ही फोर ऑफ पेंटिकल्स से समझ में आया था, तो अगर आपने किसी चीज़ को अननेसेसरी पकड़ के रखा हुआ है, जकड़ के रखा हुआ है, पास्ट की पर्सन, पास्ट की रिलेशनशिप, या फिर नेगेटिव थिंकिंग, या फिर ओवर थिंकिंग, या फिर नेगेटिव मेमोरीज, तो उसको आपको लेट गो करने की ज़रूरत है. वी ऑल्सो हैव आईफिल टावर. तो आपको अपने दिमाग को ब्रेक देने की ज़रूरत है. हो या फिर ये कि ये भी इंडिकेशन हो सकता है कि शायद आप अपने पार्टनर से किसी ट्रैवलिंग के टाइम पे मिले हों, या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हों. कई सारे लोगों के लिए ये है. देन वी ऑल्सो हैव दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. सो हो सकता है कि आप म्यूजिकली इंक्लाइंड हों, या फिर आपके पार्टनर म्यूजिकली इंक्लाइंड हो, या फिर आप एक दूसरे को सॉन्ग्स डेडिकेट करते हैं. वी ऑल्सो हैव अ लीफ. सो जैसा मैं आपको बोल रही थी कि नेचर में जाइए, भगवान से कनेक्ट करिए, ग्राउंडेड होने की आपको यहाँ पे ज़रूरत है. वी ऑल्सो हैव अ फेदर विच इज़ अ साइन फ्रॉम योर एंजल्स एंड गॉड दैट दे आर ऑलवेज विथ यू. ओके, वी ऑल्सो हैव गणेश जी. तो यस, एक नई शुरुआत है लाइफ में, नई चीज़ों की शुरुआत है. और आपको पता है, अपने जो वाइब्रेशंस हैं उनको शिफ्ट करना पड़ेगा. तो जो भी चीज़ के लिए आप पैशनेट हैं, जो भी चीज़ करके आपको खुशी मिलती है, उन चीज़ों पे आप ध्यान दें जिससे कि आप अच्छे वाइब्रेशंस में आ सकें और जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं उनमें से निकल सकें. वी ऑल्सो हैव व्हील ऑफ फॉर्चून. यहाँ पे चाम आया है और व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे कार्ड भी था. तो चीज़ें काफ़ी बदल रही हैं, आपके फेवर में बदल रही हैं. वी ऑल्सो हैव अ पीस सिम्बल. तो पीस बना के रखिए. ज़्यादा किसी से गुस्सा या आर्ग्यूमेंट आपको नहीं करना है. ओके, एंड व्हाट एल्स, दैट्स ऑल आई गेस. सो या अपना ध्यान रखिए, बहुत बहुत ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए. और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम. ठीक है, बाय.